है आज बात करेंगे रोल बैक की रोल बैक क्या होता है अ रोल बैक रेफर्स टू अंडूइंग प्रीवियस कमिट और सीरीज ऑफ कमिट्स एंड रिस्टोरिंग दिपोजिटी टू अ प्रीवियस स्टेट रोल बैक कैन बी यूजफुल इफ यू हैव मेड चेंज टू दी कोड एंड दैट इंट्रोड्यूस बग और एरर इफ़ यू हैव एक्सीडेंटली डिलीट और अवर रिटर्न इम्पोर्टेंट फाइल्स रोल बैक शुड बी यूज्ड विथ कॉशन एज इट कैन पोटेंशली कॉज डेटा लॉस और अदर अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस इफ नॉट डन केयरफुल्ली सो रोल बैक टर्म जो है ये इसका मतलब होता है कि अनडूइंग करना किसी प्रीवियस कमिट पर यानी कि दस बार कमिट आपने किया हुआ है किसी स्पेसिफिक कमिट पे फर्स्ट कमिट सेकेंड कमिट थर्ड कमिट फोर्थ कमिट इस तरीके से फिफ्थ कमिट सिक्स कमिट टेंथ कमिट तक किया आपने और आपको लगता है कि नहीं मेरा कहीं गड़बड़ हो रहा नाइन्थ कमिट पर मुझे एट्थ कमिट पर वापस जाना था आप एट्थ कमिंग एट्थ कमिट पर री स्टोर कर सकते हैं उसी को कहते हैं रोल बैक करना यानी कि आप आगे बढ़ चुके हैं लेकिन आपको बग मिल रहा है तो आप वापस से अपने किसी स्टेबल कोड में जाना चाहते हैं उसी को कहते हैं कि रोल बैक हो जाओ अपने स्टेबल कमिट पे तो यहाँ पे लिखा गया और रॉल बैक एफर टू ऑन डूंग प्रीवियस कमिट और सीरीज ऑफ कमिट्स एंड रिस्टोरिंग दिपोजटी टू अ प्रीवियस स्टेट जो कि वर्किंग स्टेट हो सकता है बस इसमें और कुछ खास है नहीं बस आपको ध्यान रखना है कि रोल बैक करते वक्त कि ऐसा ना हो कि आप जहाँ रोल बैक कर रहे हैं और रॉल जैसे कि मैं फिफ्थ कमिट पे रोल बैक कर रहा हूँ लेकिन सिक्स कमिट पे मैंने कोई इंपॉर्टेंट फाइल क्रिएट किया होगा अगर मैं फिफ्थ पे रोल कर, बैक करूँगा तो सिक्स में जो मैंने काम किया था वह मेरा रिमूव हो जाएगा तो आपको ध्यान रखना होता है कि ऐसा ना हो तो ऐसा ऐसा ऐसी जगह पर आपको रोल बैक नहीं करना है जो कोई इंपॉर्टेंट डेटा आपका लॉस कर जाए तो उसको ध्यान में रखते हुए आपको रोल बैक को यूज़ करना है अच्छे तरीके से और दिमाग लगा के सो so, रोल बैक का आप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कमांड वगैरह जो कैसे ये सब करते हैं वो मैं आपको जब कमांड बताऊंगा तब बता दूंगा अब एक सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ कर रखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए अगर आपने नहीं किया तो इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद